जो बोले सो निहाल। श्री अकाल। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ी हुई, मुझे यकीन नहीं हो रहा क्यों। आप मेरे आइडल हैं सर। मैं आपका पूरा जो आपने इस देश के लिए किया है, इस देश को आपके बिना सोच भी नहीं सकते हम। गुरुद्वारों में जाना, सेवा में समय देना, लंगर पाना, सिख परिवारों के घरों पर रहना, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा स्वाभाविक हिस्सा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू टूडे। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गिवन अस सो मच टाइम। एंड एज चांसलर संधु सेड, ही वॉज ऑनर्ड दैट यू आर वेयरिंग अ टर्बन, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू वेयरिंग अ मरून टर्बन, एंड यू आर लुकिंग वेरी गुड। यहां प्रधानमंत्री आवास में भी समय समय पर सिख संतों के चरण पड़ते रहते हैं और ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है। उनकी संगत का सौभाग्य मुझे अक्सर मिलता रहता है। मैं मानयोग प्रधानमंत्री सरदार श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हाँ कि 400 साल लाल किले विखे जिहड़ा उन्होंने प्रोग्राम बनाया। सो सारिया निहंग सिंह जथेबंदियों वालों आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम दुनिया में कहीं भी रहे, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम हमारी पहली आस्था होनी चाहिए। साथियों, हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था, पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई थी। वी आर हियर टू टेल यू प्रधानमंत्री जी, वी आर इंडेटेड आवर लाइफ टू यू। हम आपके ऋणी हैं, हमारी जिंदगी आपकी है। आपने जो हम सिख समाज के लिए, जो सिख कम्युनिटी के लिए व्हाट यू हैव डन। आज भी सीमा पर खड़े सिख सैनिकों के शौर्य से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में सिख समाज की भागीदारी और सिख एनआरआई के योगदान तक, सिख समाज देश के साहस, देश का सामर्थ्य और देश के श्रम का पर्याय बना हुआ है। वी थैंक यू फॉर वेलकमिंग अस इन योर होम विद सच एन ओपन हार्ट। जदों भी असीं सारे सिख भाईचारा इंडिया दे विच आने हां, इंडिया, इंडिया दी सरकार ते तुहाडे सारे जाने जिन्हें भी अपने भैन भरा ने इंडिया दे विच, यू ऑलवेज वेलकम अस विद सो मच लव एंड रिस्पेक्ट। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र हम सबको भारत के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे मन मंदिर विच मानस की जात सब एक है पहचान बो, एक पिता एकस के हम बारक। इस गुरबाणी दीआं तुकां दे अनुसार उन्हां दे मन विच हर मानस दे प्रति, हर जाति दे प्रति, हर समाज दे प्रति बहुत ही संवेदना है। ते ओ असी देख रहे हां कि बहुत ही धीरज नाल, बते ही सहज नाल हर समाज नूं अपने नाल लैके चलदे हन। हमें आत्मनिर्भर बनना है, गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन बेहतर करना है। इन सब प्रयासों में आप सभी की सक्रिय भागीदारी होना और आप सबका सक्रिय योगदान होना बहुत अनिवार्य और आवश्यक है।